मैं अजको हल्दी का परोठा बनाना सिखा रही हूँ। मैं तो गाँव में ले आती, बाजार से भी मिल जाती है। मैं बिल्कुल ही ऐसे ही रखी टोकरी में, छिली नहीं गया, मैं छिल चुकी हूँ। थोड़ा जो मैं प्याज लिया है, ए थोड़ी जी मैं पुदीने की चटनी लाई है, इसको मैं दौरी में उन कुटू गया ऐसे कर। दो हफ्ता 1-10 दिन खा लो तो दर्द, घुटने दर्द होते हैं, कमर में दर्द होती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है इसके साथ। मैं कुट चुकी हूँ, प्याज भी मैं कुट चुकी हूँ, सॉरी मैं भूल चुकी सर। हल्दी को पहले आपने छिल छिलना है अच्छी तरह छुरी के साथ, बाद इसको कुटना है इसके साथ। उनमें डालूंगी थोड़ा जो पुदीने की चटनी डालूंगी, इतनी को सिर्फ इतनी को डालूंगी। इसमें जाएगा थोड़ा जा नमक डालूंगी जायके के मुताबिक, मिर्च डालूंगी एक चमची में, मिर्च डाल आप जायके के मुताबिक डाल सकते हैं अच्छी तरह। है हाथ देखो मेरे हल्दी के साथ ऐसे ही हो गए ने, पीले पीले हाथ हो गए ने। टेंशन ना लेना, हो जाएंगे सही, साबुन के साथ आप धो देते वॉश करो तो बिल्कुल सही होगा। ऐसे कर हो गए, मैं पेड़े बनाऊंगी। देखो मेरे हाथ पीले हो गए ना। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत फायदे ने इसके। हल्दी दर्दा होन इंसान को, घुटने दर्द करती, कमर दर्द करती, कहीं भी जोड़ में दर्द होगी इसके साथ फायदा होएगा। इसका सालन भी बन जाता है, सालन भी फिर मैं अगली वीडियो में सालन भी आपको सिखाना सिखाऊंगी बनाना। ऐसे लगा लेना आपने, पीठी वाला परौंठा बन गया है, हल्दी का परौंठा। गैस नीचे से काम हो गया, ऊपर गैस ही बहुत मुश्किल है, गैस ही नहीं इतना आता। गैस ही नहीं आता, बना रही गैस कम हो गया। आ
वैसे का तू बना लेना, बहुत मजे का बना कर, जरूर ट्राई करना, बहुत आसान तरीका है, मुश्किल नहीं इन्ना है, फायदे भी बहुत ज्यादा। परौठा तैयार हो चुका बिल्कुल ही, देखो कितना मज़े का बन चुका है, मज़े का हल्दी का परौठा, घर में जरूर ट्राई करना, मेरी बहू चेक करेगी आपको बताएगी कैसा मज़े का बनाएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए अम्मी ने बहुत मज़े का जो है वो हल्दी का पराठा बनाया है, ये मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत टेस्टी बना हुआ है, आप घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर हम आपके पास आते रहें। ओके बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।